अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अपने पिंडी वाला जो सेटअप है हमारा, मैं वहाँ पे आया हुआ था। मैं किसी काम से पिंडी आया था, तो मुझे अपने बर्ड्स की काफ़ी याद आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलें यहाँ से होते चलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ छत पे, तो सारे पिंजरे देख के काफ़ी सैड फील हुआ मुझे, क्योंकि सारों को मैं मिस कर रहा हूँ। सारे जो हैं वो इस टाइम गाँव में हैं, तो मैंने कहा चलें मैं इधर से थोड़ा विज़िट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या सूरत हाल है। तो पिंजरे सारे अपनी जगह पे ठीक हैं, साफ़ हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं और आप दोस्तों को भी दिखाते हैं। अभी छत पे चलते हैं, जो हमने रैबिट्स के लिए हाउस बनाए थे उनका क्या सूरत हाल है, वो ठीक है या नहीं। क्योंकि इधर मेरे उधर जाने के बाद आज मेरे ख्याल से 20 दिन बाद वापस आया हूँ, तो बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से मैंने कहा चलें देख लेता हूँ कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ। अभी चलते हैं ऊपर और रैबिट्स वाला हाउस देखते हैं। ये सारे भी ठीक हैं बिल्कुल, इनमें कोई भी मसला नहीं है। लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा बारिश के पानी के लगने की वजह से थोड़ा सा उसमें से मिट्टी जो है वो कम हुई है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे आके इनको सही तरह से फिल भी करेंगे और इनको ऊपर थोड़ा सा शेप, गोल शेप बना के इनका थोड़ा सा डिज़ाइन करके इनको थोड़ा प्यारा भी करेंगे। तो अभी के लिए बिल्कुल ठीक है, और जो हमारे रैबिट्स के लिए जो ग्राउंड है, पूरी छत जो है ये भी बिल्कुल साफ़ है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि काफ़ी दिन बाद जो है वो मेरे व्लॉग्स आ रहे थे, क्योंकि गांव में बिल्कुल भी नेट सर्विस जो है बिल्कुल ज़ीरो है। तो काफ़ी कंप्लेन करने के बाद भी जो है नेट सही नहीं चला वहाँ पे, तो इस वजह से मैं थोड़ा टाइम बाद व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है व्लॉग अपलोड करने के लिए। काफ़ी मुश्किल का सामना है फ़िलहाल मुझे गाँव में, पर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से भी कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं कि ताकि हमारे जो एरिया में जो नेट सर्विस के काफ़ी प्रॉब्लम है वो हल हो सके और मेरे लिए भी काम आसान हो सके। और जो हमारे इलाके के काफ़ी लोग जो हैं जो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो सके, नेट थोड़ा उनका फास्ट हो सके। तो बाकी टेंशन ही लेनी, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है वो व्लॉग भी आते रहेंगे और हमारे बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। उनमें से एक मैं बताता चलूँ, एक जो दो वाइट जो चूज़े थे उनमें से एक जो मेल था वो बेचारा एक्सपायर हो गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बर्ड्स थे, जो जितनी भी चीज़ें थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया था व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलें आज यहाँ पे आया हूँ तो मेरे तो नेट भी ठीक है, तो मिस भी कर रहा था मैं सारों को। मैंने कहा चलें कि मैं आप लोगों को भी बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं सारे। आज या कल मैं वापस से गाँव चला जाऊँगा अपने बर्ड्स के पास, तो वहाँ पे भी जाके मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं कि व्लॉग आए, पर नेट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं इस वजह से अपलोड नहीं कर रहा था। अब यह है कि जाके बनाऊँगा और जितनी नेचर में कैप्चर कर सका वो कैप्चर करूँगा और आप सबको दिखाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी प्यारी जगह भी हैं जो अभी तक लोगों ने नहीं देखी, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों को दिखाऊँ। और उसके अलावा हमारे गाँव की बहुत सी खूबसूरती है, बहुत से चीज़ें जो हैं ऐसी जो लोगों को पता होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो मैं अपने सब बहन भाइयों को, जितने भी देखने वाले हैं, इन सबको मैं दिखाऊं। अभी यहाँ पे करने को और कुछ भी नहीं था, तो मैं अपने बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे नेबर्स के कुछ पिजन्स उड़ रहे हैं, जो कि वो सुबह सुबह उड़ाते होते हैं, तो बस बैठा उन्हीं को देख रहा था। माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लग रहे थे, मेरे सेटअप पर इन्हीं की कमी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं भी ये रखूँ, क्योंकि अभी तक मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं मिली। जैसे मुझे परमिशन मिलती है तो मैं इंशाल्लाह ये भी ला के रखूँगा। तो काफ़ी माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ये भी उड़ रहा है, एक वो टॉप पे है, और अभी काफ़ी ज़्यादा था इनका भी पूरा ग्रुप था, तो वो मेरे ख्याल से वापस अपने घर चले गए हैं अभी, और नज़र नहीं आ रहे। हमारे नेबर्स ने भी रखे थे, इन्होंने भी अभी ख़त्म कर दिए गर्मी की वजह से, तो कह रहा था कि ये सीज़न ख़त्म हो फिर इसके बाद वापस लूँगा। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने सेटअप पे पिजन ला के रखूँ, तो चले देखते हैं क्या बनता है। फिर सब मेरे चैनल देसी वाइब्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो काफ़ी लोग जो हैं वो यही सोचते हैं कि शायद इसने व्लॉगिंग छोड़ दिया या व्लॉग अपलोड नहीं करेगा। तो मैं थोड़ा गाँव में, जैसे कि पहले भी बताया कि नेट के थ्रू प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ पे अच्छे सिग्नल आ सके मैं वहाँ पे जाके वीडियो अपलोड करूँ और डेली बेस में अपलोड करता रहूँ, क्योंकि थोड़ी मुश्किलात का सामना है मुझे वहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ। और सारे मेरे चैनल देसी वाइब के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो सब वेट करें, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा।
अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया छत पे बैठे हुए और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी चलते हैं, बाकी के जो काम करने हैं वो काम करते हैं, फिर जल्दी से जल्दी गांव जाने की कोशिश करते हैं, अपने बर्ड्स के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम मैं इन सबको खोलता होता था और इनके पास बैठा होता था, ख़ास करके अपने चूज़े इस टाइम खोले थे क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे के टाइम में वो खोलता होता था। तो अभी मैं काफ़ी मिस करूँ सबको, अभी बस जल्दी करते हैं, अपने काम ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं गाँव की तरफ और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करिएगा और मेरे चैनल देसी वाइब्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।